नमस्कार, खबर समेत जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जमकर तैयारी में जुट गई है। वहीं इस बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, एक देश में एक संविधान ही होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि यूसीसी लाया जाता है तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे, यह देश को बर्बाद करने वाला प्रोपोगंडा है। उन्होंने कहा कि देश की पहचान हिंदू मुस्लिम एकता से है, एक देश एक कानून इंडिया में संभव नहीं है। सभी धर्मों की परंपराएं अलग अलग हैं, संविधान को निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर बनाया है। उन्होंने इसे सरकार का चुनावी स्टंट करार दिया। मसूद ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है, यदि यूसीसी आता है तो इससे सिर्फ मुस्लिम नहीं दूसरे धर्मों को भी दिक्कत होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले यूसीसी का विरोध करें। पुरजोर विरोध करेंगे, संविधान थोड़ी बर्बाद होने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, सब लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। जब संविधान बनाया है और जिस संविधान के तहत मुल्क चल रहा है वो संविधान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना संविधान थोड़ी थोपेगी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया जिस पर सब ने मोहर लगाई, उस संविधान को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि सबको एक होकर एक मंच पर आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो संविधान बचाने वाले लोगों से कहूंगा कि आइए कॉन्स्टिट्यूशन बचाइए। ये अकेले मुस्लिम्स की लड़ाई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। ये एक हमला है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और इसके लिए सबको आना चाहिए। बल्कि लॉ कमीशन ने जिस तरह से अभी वो मांगा है, सजेशन मांगे, तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि लॉ कमीशन की वेबसाइट देखिए, 14 जुलाई तक उन्होंने टाइम दिया है, आप सब लोग उस पर अपने कमेंट्स डालिए। विरोध का तरीका क्या रहेगा कांग्रेस का? भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना, विरोध का तरीका तो है ही ना, सरकार लाएगी तो विरोध का तरीका बताएंगे। अभी तो बिल का कहा है, बिल का कहा है इन्होंने, ऐसे थोड़ी ना है, मजबूती से लड़ेंगे। बाबा साहब का संविधान है, ऐसे थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनावी साल है, चुनावी स्टंट सरकार का? बरसों से इनके ख्वाब है, बरसों से ये कहना है संविधान बर्बाद कर देंगे, हर चुनाव में कहते हैं, ना कभी कर पाए ना करेंगे, ये खुद बर्बाद हो जाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।